हिमाचल प्रदेश में बुधवार को उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन था और दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। भाजपा ने कांग्रेस के महंगाई के मुद्दे को लेकर पलटवार किया और कहा कि 2012 में चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार में मूंग दाल 250 और चने 200 रुपये खरीद कर उन्होंने भी खाए और कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई खत्म करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है और जनता का भाजपा को समर्थन भी मिल रहा है। कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और कर्मचारियों का समर्थन भी भाजपा को मिलेगा। हालांकि भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने उस दुकान का नाम नहीं बताया जिस दुकान से उन्होंने मूंग और चने की दाल 2012 में इतनी महंगी खरीदी थी। 2012 का थोड़ा सा मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। उसमें से बहुत से लोग आप जब आनंद शर्मा जी हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रभारी बने और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट करने का प्रयास किया और एक विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं हिमाचल में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और 100 दिन के अंदर महंगाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने देखा है, उस समय हम लोगों ने भी 250 रुपए किलो मूंग की दाल हम लोगों ने खाई, 200 रुपए किलो चने की दाल हम लोगों ने खाई और सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ अनावश्यक मुद्दे खड़े करने का प्रयास किया, कभी सैनिकों के अपमान में कुछ ऐसे शब्द कह दिए, बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा, क्षमा याचना की, कुछ ऐसे स्टार प्रचारकों को हिमाचल में उतारने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको डिब्बे में बंद करके तुरंत वापस कर दिया। क्योंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है ना, तो वो आज शाम तक आ जाएंगे तो बात कर लेंगे हम। इस चुनाव में भी विकास को हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया है और ये विकास का मुद्दा आज जन जन के जहन में भी एक प्रकार से बैठा है और कांग्रेस पार्टी ने अनावश्यक कई मुद्दे उठाने का प्रयास किया और विकास से लोगों को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों को काफ़ी वर्षों से जानती है और उनके जो खोखले दावे थे उनको भी अच्छी तरह से समझती है। जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ अनावश्यक मुद्दे खड़े करने का प्रयास किया, कभी सैनिकों के अपमान में कुछ ऐसे शब्द कह दिए, बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा, क्षमा याचना की, कुछ ऐसे स्टार प्रचारकों को हिमाचल में उतारने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको डिब्बे में बंद करके तुरंत वापस कर दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम सरकार आज सत्तारूढ़ है, दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय है और समन्वय बना रहे और उसी के लिए हम सभी लोगों के सामने गए कि केंद्र और प्रदेश का एक अच्छा समन्वय हो, सामंजस्य हो, विकास में कोई रोड़ा ना बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में पार्टी प्रत्याशियों को विजय बनाएं, ये हम सभी लोगों से निवेदन हमने किया है, आग्रह भी किया है।